और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे इसकी कामना करता हूँ ईश्वर के पास। और मैं संतोष जी से संपर्क में था। कौन है संतोष जी? आप हैं। तो जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं करना जो है अनिवार्य है, ये हम सभी के ग्रेटर इंटरेस्ट में है। हम वो सभी जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर भीतर आने जाने वाले लोग हैं। कौन? तो ऐसा है कि मैं इस समष्टि के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है और मुझसे जो बन पाएगा या फिर बन पा रहा है, मैं उसके लिए एकदम तत्पर हूँ। डीसी साहब से मेरा बात हुआ, डीसी साहब से बात होने के बाद में और अपने गांव स्तर पे जो बातचीत हुआ, दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य रखते हुए और आप लोगों का भी सहमति रहा, तो उसी के तहत यहाँ हम लोग इस चीज को व्यवस्था कर पाए। डीसी साहब भी इस बात को ये कह रहे हैं कि वो लोग भी अच्छा निर्णय लिए कि पूरा जो इलाका है उसको कंटेनमेंट जोन में बदलने के बजाय यदि उन्होंने सभी मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग एक स्कूल है अपना व्यवस्था में रहेंगे, तो हम लोग भी परमिशन देने में कोई परेशानी नहीं है। तो एक अच्छा बात हुआ। अभी हम लोग अपने गांव में हैं, अपने घरों में हैं, अपने घर से बना हुआ खाना हमें मिल रहा है, तो हम सभी स्वस्थ हैं। मैं मुझे मेरा यह मानना है, मेरा यह विश्वास है, हम सभी स्वस्थ हैं। लेकिन चूंकि अपने इस इलाके में इस प्रकार का यह पहला आप लोगों का बैच है जो आया है इस इलाके में, तो इससे हमें औरों के लिए भी एक मैसेज निकालना है ताकि अन्य लोग जो आ रहे हैं उन्हें भी यह समझ में आए कि आप जैसे रेस्पॉन्सिबल हैं उस तरीके से वो लोग भी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, नंबर वन। उसके बाद में एक मैसेज और जाएगा कि गांव के जो लोग हैं अपने गांव के लोगों के लिए जो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और गांव में भी इसका एक मैसेज जाए कि उस गांव में भी जब इस तरीके से लोग आए तो हम लोग इस तरीके की व्यवस्था करने जाए तो गांव के लोग उसको कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सभी बात जानते हैं, आप लोग बहुत परेशानी बहुत मुश्किल में इतने दिनों तक वहां रहकर आप लोग यहां आए हैं, तो हम सभी खुश हैं इस बात को लेकर कि आप सभी सुरक्षित यहां तक पहुंचे हैं। और अपने जो भाई लोग वहां हैं वो मुझे विश्वास है कि वे लोग भी सुरक्षित हम लोग के बीच में आएंगे। बस एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वहां किया जा रहा है। आप लोग मिल के आए होंगे, आप लोग मुझसे ज्यादा जब बता पाएंगे उनके बारे में। तो अपने जो भी गाँव के लोग हैं मैं सभी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सभी ने अच्छी तरीके से इस व्यवस्थाओं को करने में मदद किया है। हमारे गाँव बुरा जी हैं, इनके विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। तो अभी हम लोग एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए हैं यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसके तहत। तो ये जो सेंटर है इसका एक मॉनिटरिंग होगा, यहाँ जो भी परेशानियाँ हैं उसको हम लोग डील करेंगे। अभी हम लोग एक निर्णय भी लिए हैं कि यहाँ टॉयलेट रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम है, तो दो टॉयलेट टेन जो सीट होता है वो और टेम्प्रोरी अरेंजमेंट के लिए टीना जो है उसका व्यवस्था हम लोग इसको कर रहे हैं। आज और कल के बीच में तैयार हो सकता है, मेरा मानना है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल बात होगा तो हम लोग शेयर करेंगे। और सुबह और शाम दो वक्त हम लोग को रिपोर्टिंग करना है डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस के माध्यम से ऊपर जो रिपोर्ट जाएगा। तो यही है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को यही कहूँगा कि यदि कहीं कोई बात यदि निकलता है तो सभी ये बात को पूरा अवेयरनेस की तरह से लेके जाए कि हाँ हमारे इस सेंटर पर जितने भी लोग हैं स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और एक मैसेज ऐसा दिया जाए ताकि अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, हम लोग पास रिपोर्ट है तो सारे लोगों को उस प्रक्रिया के तहत लेकर हमें फिर अलग अलग जगहों में करना है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के बीच आऊंगा खबर लेने के लिए। और कितने दिन बोला गया है आप लोगों के यहाँ रहने के लिए? 14 दिन बोला गया है, ठीक है।